मैं अमरेंद्र कुमार झा, रिटायर्ड इंजीनियर बोकारो स्टील प्लांट, ये फाउंडर खुशाल बोकारो, जो पूरे डायरेक्टर श्री अमरेंद्र प्रकाश एकेडमिक जब से जो अपने विद्यापति पर बन से कहे जो हमसे पांच टॉप सर बनाए कि जब ज्वाइन किए थे हम ये कर्म मेरा मातृभूमि की तरह है कर्मभूमि, तो जैसा पहले था से बनाएंगे तो ये अचानक सबको लगा जहाँ कुछ नहीं होने वाला था कुछ नहीं दिखता था वहाँ बहुत ही उम्मीद जगी और अनेक लोग लग गए। उसके साथ ही उन्होंने कहा था जो सभी नागरिक भी संस्था जितने भी लोग हैं विधायक प्रतिनिधि सबका नाम लिया हुआ है, यूनियन वगैरह सबका, पत्रकार सबका कहा जो कि आप लोग भी ग्रामीण भी सब स्थायी उत्साह से आपस में प्रेम भाव से बनाइए और जिसके पास जो नॉलेज है, क्षमता है, क्रिएटिविटी है उसको आगे लाइए तभी इसका ये करेगा। पीछे जाइए ना ठीक तो पीछे जाइए भी दिखेगा बगल तो ये अभी पहले दिखाए थे इधर दिखे ये पहले दिखाए थे हम आपको ये ऊपर से नीचे देखिए ये छोटी इलायची का पौधा आज से एक डेढ़ महीना पहले उसमें फूल आए थे इस तरह के फूल और उस समय बहुत एक संत की तरफ था जिसको कि हम लोगों ने रखा था। अभी इसमें ये देख रहे हैं इस तरह के फूल नजदीक इस तरह के फूल इस इलायची में है इस तरह के, लेकिन जो हमने मुनार में देखा था जो इसके नीचे यहाँ मिट्टी के ऊपर यहाँ जड़ में इनका ये आता है इलायची का फल, तो ये फूल के बारे में हम लोग भी उस पर डाले थे और ये देखना फिर नहीं हो सका। ये फूल अगर आता है तो प्रायः फूल से ही फल होता है, लेकिन शायद इलायची का ऐसा है जो कि यहाँ पर फूल आए हैं और ये क्या है कैसे होगा इसकी जानकारी जो कोई जानते हैं हम भारतीय वनोपज में डालेंगे और जो भी विशेषज्ञ हैं उसके ही जानेंगे। इसके साथ ही ये चीकू है जो कई बार हम लोग इसको 3-4 महीना पहले काफ़ी खा चुके थे लेकिन कुछ खा करके तोड़ दिए थे जिससे लगता है कि दूसरी बार फैलेगा, इस बार भी ये फल आए हैं और फूल है। इसी तरह से इस बागवानी में हर्बल बैंक है जो 1998 से 2005 तक हमने एक बार काफ़ी काम किया था और इस शहर के चारों तरफ ये किया था। एक हर्बल बैंक पारी प्रॉपर्टी के सामने चलता था कि यहाँ 4-5 एकड़ ज़मीन में वहाँ एक नर्सरी उगाने का सेंटर रखा था। उसके बाद